आज हम बनाएंगे एक नाश्ता। ये हमने रात भर चावल भिगो दिए थे, इनको हम पीस लेते हैं। ये हमने मिक्सी जार में डाल दिया। इसमें बाइंडिंग के लिए हम 3 से 4 डालेंगे ब्रेड तोड़ करके। और ये दोस्तों हमारा चावल पीस करके तैयार हो गया। हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने कुछ टमाटर लिए हैं, 2 स्लाइस काट लिए हैं, 1 चॉप कर लिए हमने मीडियम साइज की प्याज। हमने कुछ उबले हुए आलू कद्दूकस कर लिए हैं, इनका बनाएंगे मसाला। चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने 1 छोटे चम्मच ऑयल डाल लिया है फ्राई पैन में। ये थोड़ा डालेंगे हम जीरा और ये चुटकी भर हींग। और अब ये आलू हम इसमें छोड़ देंगे। पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी जाएगी लाल मिर्च, पिसी हुई देगी मिर्च। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। चलते हैं हम बटर, जो हमने बैटर बनाया है उसकी तरफ। हमारा बटर बिल्कुल रेस्ट कर लिया है हमारे बटर ने। ये देखो हमारा घोल बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना हुआ। अब इसमें हम डालेंगे 1 पाउच इनो का। ये मैंने इनो डाल दिया। इसमें आप घर वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ये हमने इनो डाल करके इसको चला लिया अच्छी तरह। हमने ये 1 प्लेट लिए, हम इसमें बटर को थोड़ा डालेंगे। ये जो हमने बटर डाला था 2 चम्मच के करीब, अब हम इसमें स्लाइस टमाटर इस तरीके से रख देंगे। फिर इसको हम बटर से इस तरीके से ढक देंगे। हमारे सभी स्लाइस गोल से ढक गए हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा प्याज चॉप हुआ। दोस्तों फिर हम ऐसे ही ये घोल इस तरीके से डाल करके इन सभी को प्याजों को ढक देंगे। दोस्तों मैं बताना भूल गया, हमने अपने बटर में भी स्वाद अनुसार थोड़ा नमक मिला लिया था। अब दोस्तों ये हमने लंबी कटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और दोस्तों ये हमने अपना जो मसाला बनाया था, मसाला भी इसमें रख दिया है, फैला दिया है। ये थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसमें धनिया। दोस्तों फिर अपने घोल से इसको पूरे को ढक देंगे हम। ये दोस्तों हमारा नाश्ता सेट कर दिया है हमने प्लेट में। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये दोस्तों मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है और इसमें 1 कटोरी ऐसे मोदी मार देंगे। हमारे पास जाली नहीं है इतनी चौड़ी। मैं अपना नाश्ता कटोरी के ऊपर रख दिया, इसको ऊपर से हम देंगे ढक और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको काट लेते हैं और इसके पीस को तलेंगे, या आप ऐसे भी खा सकते हो।